हेलो फ्रेंड्स, लुबनास किचन में मैं लुबना आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है चिकन मंचूरियन, जो एक चाइनीज डिश है जो ज्यादातर लोगों को काफी पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लुबनास किचन को और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये डिश जो है दो स्टेप में बनेगी। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि चिकन को मैरिनेशन कैसे करेंगे और इनमें किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, विद बोन्स है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तेल है जरूरत के मुताबिक। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टेबलस्पून मैदा है, 1 अंडा है फेटा हुआ, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, स्वाद के मुताबिक नमक है और 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हमने चिकन ले लिया है, इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे, स्वाद के मुताबिक नमक डालेंगे, सोया सॉस डाल देंगे, मैदा डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अंडा डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, देखिए। इसे अब हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुकी है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे तल लेंगे। एक कढ़ाई में हमने पहले ही तेल गरम करने रख दिया था, इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन तलते वक्त गैस की आंच मीडियम रखनी है, ज्यादा तेज नहीं रखनी, वरना चिकन जल जाएगा। हमने चिकन डाल दिया है तेल में, अब इसे हम मीडियम आंच पर 5 मिनट तक इसे तलेंगे। अभी इसे फौरन हिलाना नहीं है। चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देखिए, और गल भी चुकी है। इसे फ्राई होने में तकरीबन 5 मिनट का वक्त लगा था। इसे अब हम एक डिश में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी बची हुई चिकन को भी तल लेंगे। सारे चिकन को हमने तल लिया है, अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। इस रेसिपी का दूसरा स्टेप है ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होगी। 2 टेबलस्पून हरा प्याज है, कि जिसके मैंने हरे हिस्से को इस्तेमाल किया है और उसे काट लिया है। 1 टेबलस्पून फ्रेश रेड चिली है, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम है बारीक कटा हुआ, 3 टेबलस्पून कैबेज है बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस है, 8 लहसुन की कलियां है बारीक कटी हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है बारीक कटा हुआ और 1 टेबलस्पून हरा प्याज का व्हाइट हिस्सा है, 1 टेबलस्पून टमेटो केचप है, स्वाद के मुताबिक नमक है और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, कि जिसे हम पानी में घोलकर इसकी स्लरी बनाएंगे, 1 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएंगे। इसके लिए हम कॉर्नफ्लोर में पानी डालेंगे थोड़ा सा। हमें एक घोल सा तैयार करना है कॉर्नफ्लोर का पानी के साथ। एक कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून तेल गरम करने रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। इसमें अब हम कटा हुआ लहसुन, अदरक और स्प्रिंग अनियन का सफेद पार्ट जो है डाल देंगे। हल्का सा सोते करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। आंच जो है मीडियम रखनी है। हल्का सोते हो गया है, इसमें अब हम सारी सब्जियां डाल देंगे। कैप्सिकम डाला मैंने, कैबेज डाल देंगे, फ्रेश रेड चिली डाल देंगे, इसे हिला देंगे। इसे हल्का सा ही सोते करना है, इसका कुरकुरापन जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए।
एक मिनट तक हमने इसे मीडियम आंच कर सोते कर लिया है। इसमें हम कटा हुआ प्याज जो है डाल देंगे, रेड चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डाल देंगे, टमाटो केचप डालेंगे, अच्छे से हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए इतना पानी डालिए। चीनी डाल देंगे, विनेगर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें अब हम तैयार की हुई स्लरी डालेंगे कॉर्नफ्लोर की। कॉर्नफ्लोर पानी का जो घोल हमने तैयार किया था अब डाल देंगे धीमे धीमे से, एक साथ सब नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ग्रेवी थिक होना शुरू हो गई है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। आज जो है मीडियम रखेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन जो हमने रखा था उसे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज जो है हरा डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। चिकन मंचूरियन बनकर तैयार है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए तो इसे सर्व कर देते हैं। तो लीजिए खाने को तैयार है गर्मा गर्म चिकन मंचूरियन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। We'll be right back.